हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करेंगे व्हाट आर दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ से हमें समराइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, हमारी फाइनेंशियल पोजिशन एक पर्टिकुलर डेट पर क्या है। अगर हमें ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके अंदर हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर डाटा को अरेंज, रीअरेंज या ग्रुपिंग करनी पड़ती है, उनका रिलेशनशिप स्टडी करके उसके बेसिस पे जो है हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। हमारा इस लेक्चर के अंदर जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल एनालिसिस है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमें समराइज्ड इन्फॉर्मेशन देती है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो हम जैसे एक फर्म का ओवर द टाइम पीरियड, जैसे 2 साल का 3 साल का या 4 साल का, हम ओवरऑल उसके अंदर चेंजेस स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसी तरह ही कितनी चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में ये डिपिक्ट करता है। अब देखो, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव हमारा जो है कंपैरिजन करने का है। ये कंपैरिजन जो है इंटर फर्म भी हो सकता है, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ ओवर द पीरियड। इंटर फर्म के अंदर क्या होता है, एक ही फर्म होती है, लेकिन जैसे मान लो 2017 2018 2016, ओवर द टाइम पीरियड, 2 सालों का भी हो सकता है, ज़्यादा सालों का भी हो सकता है, जिसके अंदर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड पता चलता है। उसके लिए देखो, हम सेल के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, नेट इनकम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के क्या चेंजेस आ रही हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो उनके अंदर चेंजेस आई है जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड जो है पता कर सकते हैं। उसी तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को भी जो है मेयर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या सिचुएशन है उसको एनालिस कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर सकती है। और देखो, यहाँ पे जो हमारे पास है कंपैरेटिव के अंदर, एक हम बैलेंस शीट का कंपैरिजन करते हैं, एक है हम इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं। और देखो, बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि सेम आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स का हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज मेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी परसेंटेज करते हैं। सिमिलर वे के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी क्या है कि जो फिगर्स हैं या सेम आइटम है उसके अंदर ओवर द पीरियड एब्सोल्यूट चेंजेस कितनी आती हैं और उसके अंदर परसेंटेज चेंज कितनी आती है। तो यहाँ पे देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मैंने पहले फॉर्मेट दिया है, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को हम वर्टिकल वे से बनाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो पिछला साल है, ये करंट ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि एब्सोल्यूट चेंज जो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो जो एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड कर देते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आ जाता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, और उसी तरह शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बॉरिंग्स होगी, ट्रेड पेबल्स होगी, अदर करंट लाइबिलिटीज़ होगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स होगी। जब हम शेयर होल्डर के फंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। और उसी तरह ही दूसरी स्लाइड के अंदर क्या है कि एसेट के कंपोनेंट है। देखो, एसेट जो है लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करेंट एसेट, जिसके अंदर फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट आगे दो तरह की होती है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करेंट एसेट्स जिसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, स्टॉक आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाता है, कैश और कैश इक्विलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स जो होते हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम
लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाती हैं, जो कि टोटल एसेट्स जो है टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती हैं। और उसी तरह देखो, जब हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम आइटम वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। देखो करंट फिनेंशियल पोजिशन जाननी है, करंट लिक्विडिटी पोजिशन जाननी है, क्या हम इस पोजिशन में हैं, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को चुका सकते हैं, जिसके अंदर हम करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नेट वर्किंग कैपिटल जो है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रही है। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल पहले से इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन पहले से बेटर है शॉर्ट टर्म। बट अगर हमारी करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, करंट लाइबिलिटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रही है, तब वर्किंग कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। और उसी तरह लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारी फिक्स एसेट पहले से इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का अगर पोर्शन ज़्यादा हो रहा है पहले से तो इट मीन्स इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, शेयर कैपिटल पहले से ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स कि परमानेंट कैपिटल का शेयर ज़्यादा है और जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है, रिजर्व एंड सरप्लस पहले से इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, इसके बेसिस पे हम ओवरऑल जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो हम इसी एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एनालिसिस है। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है 4,50,000 से 5,00,000 हो गई है। ये 2018 जो है करंट ईयर है, 2017 जो है प्रीवियस ईयर है, बी से हमने ए माइनस कर दिया तो हमारे पास सी की फिगर आ गई। अब यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ है, जब डिक्रीज़ होता है तो मैं उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखती हूँ। यहाँ पर देखो सी अपॉन ए जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको हमने प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है 11.11 से चेंज हुई है, इंक्रीज़ हुई है। और उसी तरह जो डिबेंचर्स हैं हमारे 7,00,000 से 4,00,000 हो गए हैं, जो कि पहले से बहुत कम हो गए हैं। और यहाँ पे देखो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब डिक्रीज़ हुआ है, 42.85 के हिसाब से ये डिक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह जो हमारे क्रेडिटर्स हैं ये 1,70,000 से डिक्रीज़ हो गए हैं। ओवरऑल हमारा जो 68% है, देखो यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म फंड जो हैं उनकी रिडेम्पशन हो चुकी है और जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं वो भी क्या है, पहले से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हैं। तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो भी 30% से डिक्रीज़ हैं। और उसी तरह जो फिक्स एसेट्स हैं, देखो 6,00,000 से 5,50,000 हो गए हैं, तो 50,000 जो है डिक्रीज़ हैं। और यहाँ पे 8.33 जो है डिक्रीज़ है। और उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है पहले से डिक्रीज़ है 10,000, और यहाँ पे 10% के हिसाब से डिक्रीज़ है। करंट एसेट भी हमारी बहुत कम हो गई है, 3,60,000 रह गई हैं 7,00,000 से। जो चेंजेस हैं मतलब 360 कम हो गई हैं, 340 रह गई हैं, 360% जो है डिक्रीज़ है। और जिसके अंदर हमारा जो रेशियो है वो है 51.42। तो देखो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि फर्म की ना तो शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है ना ही लॉन्ग टर्म, क्योंकि पहले से फिक्स एसेट भी कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो रही हैं, करंट एसेट्स भी कम हो रही हैं, ना तो फर्म की लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम हो रही है, इवन जो इसकी करंट एसेट्स हैं उसका भी रेशियो कम हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही हैं। तो इट मीन्स कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है डैट इज़ नॉट वेरी गुड, डैट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि पहले से टोटल एसेट भी डिक्रीज़ हुए हैं, टोटल लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई है। अब हम देखते हैं किसी और फर्म का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो नेट सेल जो है पहले से 1,15,000 से इंक्रीज़ हुए हैं, और यहाँ पे ओवरऑल जो इंक्रीज़ है 14.65 है। ये मैंने कैसे निकाली है, देखो 2018 से मैंने नेट सेल माइनस कर दिए और उस जो चेंज को मैंने 2017 की फ़िगर से डिवाइड कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 4,50,000 से 5,00,000 हो गए हैं, जिसके अंदर 11% का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारी सेल जो है 14.65 से इंक्रीज़ हुई है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे 3,35,000 से 4,00,000 हो गए हैं, और जिसके अंदर जो इजाफा है 19.40 से है। और उसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के अंदर 2.8% के हिसाब से चेंजेस हैं। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर 12.5 के हिसाब से चेंजेस हैं, और जो टोटल हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर 8% ओवरऑल जो है चेंजेस हैं। और उसी तरह ही जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 1,85,000, 2,38,000। तो यहाँ पे ओवरऑल जो पॉजिटिव चेंज है 53,000 है, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 28.65% के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम इंटरेस्ट को कम कर देते हैं तो इंटरेस्ट हमारा पहले से 25,000 से 30,000 हो गया, तो 20% चेंजेस आई है। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ये 1,60,000 2017 के अंदर है और 2,08,000 जो है 18 के अंदर है। ओवरऑल इसके अंदर 30% जो है चेंजेस आई है, और ये इनकम टैक्स हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हमने इनकम टैक्स माइनस किया 70,000 से 80,000 हो गया, तो 10,000 की चेंजेस हैं 14.3%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा आ जाता है 90,000 17 के अंदर, और 2018 के अंदर ये 1,28,000 आता है। और यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो परसेंटेज है वो भी कितनी है, 42.25%। इसका मतलब है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो इनकम है वो पहले से इंक्रीज़ हो रही है, इसकी जो क्या कहते हैं कि जो सेल का ट्रेंड है वो भी इंक्रीजिंग है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है वो भी पहले से बेटर हो रहा है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियली जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है पहले से इंक्रीज़ हो रही है।